सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली कि एक होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि ये सेक्स रैकेट जिस होटल में चलाया जा रहा था वो पुलिस थाने के बेहद करीब था और कानून को कानोखान इसकी खबर तक नहीं थी। सेक्स रैकेट का जाल हर जगह फैला हुआ है। इस धंधे में न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाता है। राजधानी पटना में सेक्स रैकेट का धंधा जोरों से फल फूल रहा है। लगातार सेक्स रैकेट के खुलासे हो रहे हैं। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। आधा दर्जन युवती समेत कई लोग हिरासत में लिए। पटना के पाटलिपुत्रा थाना से महज चंद फ्लाइंग की दूरी पर स्थित एक निजी होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पाटलिपुत्रा थाने की पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरडीएन होटल के अलग अलग कमरों से युवतियों और युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पुलिस के मुताबिक छापेमारी में आधा दर्जन युवती समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ये होटल आरडीएन है, संबंध में कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग कराने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस आलोक में हम लोगों ने वहाँ छापेमारी किया, सर्च किया है। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कुछ लोगों को हम लोगों ने थाने पर लाया, पूर्व हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। राजधानी पटना में जिस्म का बाजार जोरों से फल फूल रहा है। इससे पहले 21 फरवरी को पटना पुलिस ने पीसी कॉलोनी में छापेमारी कर एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, जिसके बाद 7 मार्च को भी पटना के शास्त्री नगर इलाके के फ्लैट से सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया।